वजन कम करने के लिए मखाने का सेवन कैसे करें, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। सो फाइनली इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं कि अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आपको मखाने का सेवन किस तरीके से करना चाहिए, कितना करना चाहिए और मखाना खाने का सही टाइम क्या है। अगर आप सच में अपना वजन कम करना चाहते हैं ना तो आपको ये तीन पॉइंट पता होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये तीन पॉइंट नहीं पता रहेगा तो फिर आप जितना मर्जी मखाने का सेवन कर ले, आपका वजन कम जो है वो होने में काफ़ी ज़्यादा आपको तकलीफ आएगी। तो ये तीनों पॉइंट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाने वाला हूं। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट जानते हैं वेट लॉस के लिए मखाना कैसे खाएं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मखाना आखिर किस तरीके से हमारे वजन को कम करता है, क्या इसके पीछे का साइंस है, क्या मखाना सच में वजन कम करता भी है या फिर नहीं करता है। तो तीन पॉइंट से हम समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि मखाने में जो कैलोरी की मात्रा है वो काफी कम प्रेजेंट है, यानी कि जो फॉक्स नट है वो एक लो कैलोरी फूड है, जिसकी वजह से हमारा जो वजन है ना वो बढ़ता नहीं है, वजन को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद करता है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है कि मखाना में जो प्रोटीन की मात्रा है वो भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है, और प्रोटीन प्रेजेंट होने की वजह से होता क्या है कि हमें भूख की जो लालसा वो थोड़ी सी कम हो जाती है, भूख का कंट्रोल करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और कई लोगों की आदत रहती है कि वो कुछ ना कुछ बार बार ना उनका खाने का मन करता रहता है। अगर आपको कुछ ऐसी आदत है तो आपको मखाने का सेवन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि भूख को कंट्रोल करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, जिससे कि आपका वजन जो है वो बढ़ेगा नहीं, ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेगा। और यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है कि मखाना में जो फाइबर की मात्रा है वो भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है, और फाइबर प्रेजेंट होने की वजह से आपका जो पेट है ना वो काफी लंबे समय तक भरा भरा सा महसूस होगा, जिससे कि आप खाना जो है वो जरूरत से ज्यादा भी नहीं खाएंगे और बिल्कुल कंट्रोल में खाएंगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली वजन को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। और साइंटिस्ट द्वारा कुछ ऐसी रिसर्च भी करी गई थी जहां पर साइंटिस्ट ने यह नोटिस किया कि जो फाइबर है ना वो बेली फैट के रिडक्शन में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो ये जो तीन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन तीन पॉइंट से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि मखाना जो है वजन कम करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप खाने का सेवन वजन कम करने के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वजन कम करने के लिए आपको मखाने का सेवन किस तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल दो तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है कि आप मखाने को एज ए स्नैक के रूप में सेवन कर सकते हैं, यानी कि आप नाश्ते के रूप में भी मखाने का सेवन कर सकते हैं। और यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग जो है वो गलती करते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि मसालेदार मखाना जो है वो बाहर से खरीद करके ले आते हैं, या फिर आप घर में ही अगर मखाना बना रहे हैं तो उसमें भी आप अलग अलग तरीके के मसाले डाल देते हैं, जिससे कि आपको फायदे की जगह नुकसान करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर आपको मखाने को किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये बात जानना आपके के लिए बेहद जरूरी है, जिससे कि आपको नुकसान जो है वो ना करे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपको एक कढ़ाई लेना है, उस कढ़ाई में आपको मखाना जो है वो डाल देना है, और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो गैस है ना वो बिल्कुल लो फ्लेम पे होना चाहिए। और उसके बाद मखाना डालने के बाद आपको स्टिक को जो वो हिलाते रहना, अगर आपने स्टिक को हिलाना बंद किया तो मखाना जो है वो जल जाएगा। धीरे धीरे स्टिक को हिलाते रहे और बीच बीच में आप जो है अपने थंब से जो है वो प्रेस करते रहे मखाने को। अगर मखाना धीरे धीरे पिसना स्टार्ट हो गया, यानी कि मखाना जो है वो धीरे धीरे रोस्ट हो रहा है, और ठीक है 4-5 मिनट बाद जो है जब मखाना अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएगा तो जब आप उसको प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको एक मस्त सी आवाज़ भी सुनाई देगी, और जो मखाना है वो प्रॉपर तरीके से पिस भी जाएगा। अगर कुछ इस तरीके से होना स्टार्ट हो गया है तो यानी कि जो मखाना है वो प्रॉपर तरीके से रोस्ट हो गया है। उसके बाद मखाने को आपको एक प्लेट में डाल लेना है, और प्लेट में डालने के बाद यहाँ पर जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें ही सिर्फ आपको ऐड करनी है, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ जो है दूसरी ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ पर सिंपली जितना आप मखाना है उसके अनुसार आपको हल्दी पाउडर जो है वो आपको ऊपर से डाल देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हल्दी है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है कि आपको काली मिर्च पाउडर है वो भी मखाने जितना है उसके स्वाद के अनुसार आप जो है काली मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए ऊपर से। और जो तीसरी चीज़ है कि आपको नमक भी जो है आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर आपको सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है, जिसको रॉक सॉल्ट बोला जाता है। और ये नमक ज़रूरी नहीं है कि आपको डालना ही है, ये आपकी मर्जी, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालिए। ये तीनों चीज़ें डाल करके आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपको एक एयर टाइट कंटेनर में मखाने को जो है वो डाल देना है। डालने से पहले आपको ये जरूर चेक करना है कि जिस कंटेनर में आप डाल रहे हैं उस कंटेनर में हल्का सा भी पानी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से उसको साफ़ कर लें, और जो वो कंटेनर है उसका ढक्कन अच्छी तरीके से लगाएं, उसमें हवा जो है बिल्कुल भी ना जा पाए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और मखाने को आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करने के बाद आपका जब मन करे एज ए स्नैक के रूप में उस टाइम आप मखाने का सेवन जो वो कर सकते हैं, और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो मैंने हल्दी, काली मिर्च और जो नमक बताया है, अगर आप ये चीज़ें डालते हैं ना तो इससे आपका जो वजन है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना वजन बढ़ाती नहीं है, उल्टा वजन को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो ये जो चीज़ें बताइए यही चीज़ें डालें, इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज़ जो है वो आपको नहीं डालनी है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें।
यहाँ पर जो दूसरा तरीका है कि आप सुबह नाश्ते में भी मखाने का सेवन जो वो कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में जब आप दूध ले रहे हैं उसके साथ ही आप मखाने को एज ए पाउडर के फॉर्म में आप जो है दूध में डाल करके उस तरीके से मखाने का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको पाउडर फॉर्म में मखाने को कन्वर्ट करना नहीं आता तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, यहाँ पर सिंपली आपको मखाने को जिस तरीके से मैंने रोस्ट करना बताया है आपको उस तरीके से मखाने को रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आपको मखाने को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है और जैसे ही मखाना हल्का हल्का ठंडा होना स्टार्ट हो जाए आपको मिक्सर में जो है थोड़ा थोड़ा करके मखाना डाल करके आपको थोड़ा सा ही आप जब मिक्सर को चलाएंगे तो मखाना जो है पाउडर फॉर्म में काफ़ी जल्दी से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही पाउडर फॉर्म में मखाना कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए मखाना जो है आपको एक एयर टाइट कंटेनर में जो है स्टोर करके रख देना है। कंटेनर में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और जो कंटेनर है वो बिल्कुल जो ढक्कन है अच्छी तरीके से लगाएं जिसमें कि हवा जो है बिल्कुल भी ना जा पाए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो मखाने का पाउडर जो है आप उस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं और डेली सुबह आप जो है 2 चम्मच उस दूध में मखाने का पाउडर डाल करके आप उस तरीके से सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूध में जो फैट की मात्रा वो कम से कम प्रेजेंट होनी चाहिए। तो मार्केट में जो डबल टोन दूध मिलता है उसको आपको इस्तेमाल करना है। अगर मार्केट में डबल टोन दूध नहीं मिल पा रहा तो आप जो है घर में ही आपको कम से कम दूध को 3 से 4 बारी उबालना है और जितनी बारी आप दूध को उबाल रहे हैं और उबालने के बाद जो छाली बन जाता है उस छाली को बार बार आपको जो है वो निकालते रहना है। ऐसा कम से कम आपको 3 से 4 बारी करना है जिससे कि ऑटोमेटिकली दूध में जो फैट प्रेजेंट है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और उसके बाद जाकर के आपको उस दूध का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, वजन को कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक दिन में कितने मखाने का सेवन करना चाहिए। तो आप जो है 30 ग्राम मखाने का सेवन जो है एक दिन में कर सकते हैं जिससे कि आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा मखाना नहीं खाना है, ज़रूरत से ज़्यादा खाया तो फिर आपके शरीर में नुकसान दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो 30 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में मखाने का सेवन ना करें। बाकी आप सभी लोग मखाने का सेवन जरूर करें जिससे कि आपके शरीर में और भी कई बड़े फायदे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मखाने का सेवन करने से आपको कभी भी हृदय संबंधित बीमारी जो है वो नहीं होती है, आपको हार्ट को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है जिससे कि आप कई बड़े कैंसर से भी बच पाते हैं, साथ ही साथ इसमें फाइबर की जो मात्रा काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है जिससे कि हमारे पेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है, वजन तो कम करता ही है। इसके साथ साथ इसमें जो आयरन की मात्रा वो भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है, इसमें कैल्शियम की मात्रा वो भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है जिससे कि जो हमारी हड्डियां वो मजबूत रहती है, और इसके अलावा इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे शरीर में हम जो है कई बड़ी बीमारियों से बचाने का काम जो है मखाना करता है। तो आप सभी लोग मखाने का सेवन जो है वो जरूर करें। यहाँ पर जब मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी थी तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट थे, यहाँ पर मैंने कुछ कमेंट लिए हैं जो का आप लोगों को जानना जो है बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि मखाने का सेवन कब तक करना चाहिए, तो देखिए मखाने का सेवन जो है आप जो है डेली बेसिस पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मखाने का सेवन 1 महीना करें, 2 महीना करें, 3 महीना करें, सालों सालों तक आप मखाने का सेवन कर सकते हैं। बस आपको एक ध्यान रखनी है कि आपको मखाने का सेवन 30 ग्राम से ज़्यादा जो है वो सेवन नहीं करना है। बाकी यहाँ पर आप मखाने का सेवन करेंगे तो आपको 7 दिन में, कई लोगों को 10 दिन में, कई लोगों को 15 दिन में असर दिखना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप एक बार ही मखाने का सेवन जो है वो जरूर करें, आपको रिजल्ट दिखना जो है वो खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो शुगर के मरीज है क्या वो लोग मखाने का सेवन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो देखिए जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं ना आप सभी लोग मखाने का सेवन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मखाने में जो शुगर की मात्रा है वो काफ़ी कम प्रेजेंट है और साथ ही साथ इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना वो बिल्कुल ना के बराबर है जिससे कि आपका जो शुगर है ना वो बढ़ने वाला नहीं है। तो आप सभी लोग मखाने का सेवन कर सकते हैं। बाकी आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि पतले लोगों को किस तरीके से मखाने का सेवन करना चाहिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, जो तरीका उस वीडियो में मैंने आपको बताया ना उस तरीके से भी आप मखाने का सेवन करें जिससे कि आपका जो वजन है ना वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ओवरऑल वेट मैनेजमेंट में मखाना आपको काफी ज्यादा मदद करता है। तो जो तरीका उस वीडियो में बताया उस तरीके से आप मखाने का सेवन करें। बाकी इस वीडियो में जो मैंने आपको तरीका बताया अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इन तरीकों से आप मखाने का सेवन जो है वो जरूर करें जिससे कि आपको जो रिजल्ट है वो कुछ ही दिनों में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो मखाना है सिर्फ आपको उसी पर डिपेंड नहीं होना है, साथ ही साथ आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करना है और आप पूरे दिन भर में जो भी एक डाइट ले रहे हैं उसको भी आप जो है मेंटेन करके रखिए, एक हेल्दी डाइट आपको लेना है जिससे कि ओवरऑल जब सारी चीज़ें मिलेंगी ना तब जाकर के आपको वजन कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा फिर मदद मिलेगी। सिर्फ मखाने पे डिपेंड करके आप अपना वजन जो है वो कम नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखें। तो आप जो एक प्रॉपर डाइटिशियन से कॉन्टैक्ट करें, किस तरीके से आपकी डाइट होनी चाहिए, कैसी आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जब मिलती है ना तब जाकर के आपका वजन अच्छी तरीके से प्रॉपर कम होता है।
तो आप मखाने को भी उस डाइट में जरूर ऐड करें, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।